खबर जौनपुर जिले के बदलापुर से है। पुलिस ने सभासद योगेश यादव को गोलियों से छलनी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 12 दिसंबर की रात बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में दुकान पर चाय पीते समय बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर सभासद योगेश यादव की हत्या कर दिया था। हत्या से गुस्साए सभासद के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग के लेकर 38 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। इस हत्याकांड के दो आरोपी विकास शर्मा व शशिकेश शुक्ला उर्फ गोलू निवासी मछली गांव थाना बल्लापुर जनपद जौनपुर को मुखबिर की सूचना पर सरोखनपुर हाईवे पुलिया के नीचे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल अन्य दो अभियुक्त पुष्पेंद्र दुबे उर्फ बंटी काजू दुबे थाना बल्लापुर की तलाश जारी है। योगेश यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बदलापुर की दिनांक 12 दिसंबर 22 को फायरिंग के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए टीमें काम कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस एवं स्थानीय थाना की संयुक्त टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल अभियुक्त विकास शर्मा पुत्र दिनेश चंद शर्मा निवासी पट्टीदयाल थाना बदलापुर एवं एक अन्य अभियुक्त शशिकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला पुत्र नन्हे शुक्ला उर्फ अजय प्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम मछली गांव थाना बदलापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 700 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल हीरो सीडी डिलक्स ये बरामद की जा चुकी है। अभियुक्त विकास शर्मा एवं शशिकेश शुक्ला और गोलू शुक्ला का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इस घटना में जो शामिल अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसका सफल अंतिम निस्तारण कर लिया जाएगा।